ऑल सेट, सब तैयारी हो चुकी है। हम निकल रहे हैं दिल्ली से, बज रहा है अभी सुबह के 4:30। ये हमारे साथ के राइडर, हमारी साइकिल, तो मिलते हैं जल्दी से जल्दी। दिल्ली सुबह सुबह बिल्कुल शांत होती है। ओके, सो राइट नाउ वी आर हियर, और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये हिमाचल की पहाड़ी नहीं है, ये दिल्ली का कूड़ेदान है। यहाँ सारे की सारे दिल्ली की गंदगी आती है। और ये अपनी सवारी, तो 36 किलोमीटर्स की जर्नी कंप्लीट करने के बाद अभी हम एक जगह रुके हैं। फिलहाल चाय पी रहे हैं हम साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ। इसकी आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे आफ्टर चाय, आफ्टर सम बिस्किट एंड ऑल, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे की जर्नी। और पीछे देख सकते हैं आप, बीएसएफ के जवान सारे के सारे खड़े हैं, क्योंकि वो पीछे जो किसान आंदोलन चल रहा था उसके लिए दबा के अभी तक भीड़ है। कम से कम 7 से 8 किलोमीटर के आसपास ढेर सारे छोटे छोटे घर बनाए गए, और आप आगे देख सकते हो इधर भी। और इस धूप में साइकिल चला चला के मैं काफी हैंडसम हो गया हूँ। 60 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने बगल में एक पार्क देखा, वो पार्क गवर्नमेंट का लग रहा था। सो हम लोगों ने सोचा कि हम यहाँ पे आज अपना जो ये दोपहर का टाइम है, 12 से 2-3 का टाइम है, उसको हम यहाँ बिताते हैं। फिलहाल अभी 11 बज रहा है, तो ये अभी 2 साइकिल यहाँ पे है। मैं आपको दिखाऊँ तो काफी बड़ा पार्क है, आप देख सकते हो काफी बड़ा है ये। नियर सोनीपत के से मजा आ रहा है। थकान समझ में कुछ आने रही है, बट केवल धूप की वजह से हमें रुकना, डेफिनेटली रेस्ट करना इम्पोर्टेंट तो है ही है। तो अभी हम रुके हैं एक ढाबे पे, पहलवान दा ढाबा का नाम है उनका, और अभी खाना खाने के लिए रुके हैं। आप देख सकते हैं काफी बेहतरीन पीछे नजारा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे खाने के लिए आते हैं ऐसा लग रहा है मेरे को, और मोस्टली सारे ट्रेवलर यहाँ पे रुकते हैं, तो हमने भी रुकने की कोशिश की और रुके यहाँ पे। उन्होंने दाल मखनी और रोटी खा ली है, पहलवान दा ढाबा की लस्सी भी पी ली है, ढकाल भी आपने सुन लिया, उसने भी बेहतरीन तरीके से खा लिया है। ये हमारा पूरा का ढाबे का व्यू है। मैं हूँ, मैंने भी हर चीज़ खा ली है, अब थोड़ा सा रेस्ट करने को सोच रहे हैं और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। हालाँकि रेस्ट तो हम लोगों ने कर रखा है, बट धूप ज़्यादा है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रहे हैं। और अभी अभी ने बताया है भाई ने कि ढाबे के पीछे मज लगा के रखी इन्होंने, मतलब ये खटिया लगा के रखा है, वहाँ पे कूलर भी है, तो बस अपना तो काम हो गया। तो खाना खाने के बाद हमें पता चला कि पीछे ये मज पड़ी है, खाट पड़ी है, ये पीछे हम लोग की गाड़ियाँ भी हैं, ये देखा है, और ये हेलीकॉप्टर का। तो अभी हम यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे, 6 आर की राइड करेंगे 4 से 6-10 तक, उसके बाद स्टे करेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। होप्स हो कि करनाल पहुँच जाओ, करनाल के बाद हम वहाँ पर स्टे करें करनाल में। सो फाइनली वी आर एट अ पानीपत राइट नाउ। ये हमारी साइकिल, ये हाईवे से जहाँ हमें जाना है आगे की ओर, और आई थिंक पे फिलहाल हमारे एक दुकान दिखाई दे रही है, वहाँ पे हम चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद यहाँ से निकलेंगे। आपका स्वागत करता है। अगर आपके साथ प्रोफेशनल कैमरामैन है तो ये सब चीज़ें होना आम बात है, तो बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करेगा जहाँ पे उसको अच्छी लाइटिंग मिल जाएगी। और ये लाइटिंग मिली कहाँ से है, ये कंपनी है टॉरेक्स जो कफ सिरप बनाती है उनकी।